अस्सलाम वालेकुम। स्किल अप विथ एसके के साथ हम सीखेंगे अलिफ बे के अगले अल्फाज। मैंने यहाँ तक पढ़ाया था अलिफ बे पे ते टे से जीम चिम हाय कै डाल डाल जाल रे रे जे जे। हम आगे बढ़ रहे हैं यहाँ सीन शीन स्वाद वाद तोई जोई। स्वाद के बाद में जो जुआद आता है उसको एक नक्ता होता है, तोई के बाद जो आता है जोई उसको नक्ता होता है। सीन सादा होता है, शीन पर तीन नक्ते होते हैं। अगर इतने अल्फाज आप इतने समझ लिए तो उर्दू बिल्कुल आसानी के साथ आप पढ़ सकते हैं। अगले अल्फाज हैं हमारे सीन यानी स, स को पढ़ेंगे और शीन के लिए श पढ़ेंगे, स्वाद के लिए स पढ़ेंगे, जुआत के लिए अरबी में से द की आवाज़ में पढ़ा जाता है लेकिन उर्दू में ज ही पढ़ा जाता है जुआद ज। तोई त, तोई को त पढ़ेंगे। अगर ते से ये ते ले तो ये ते के अल्फाज के माने अलग होते हैं और ये तोई अलग होता है, तो जोई का ज। तो इस तरह के अल्फाज होते हैं। इसको हम अल्फाज जो हमारे लिखे हुए हैं उसी में से ढूंढकर ही हम लफ्ज़ बनाएंगे। जैसे सीन, अभी सीन है इसी अल्फाज में से हम खेलेंगे। सीन अलिफ, सीन है अलिफ है, सीन अलिफ सा, जे यही है जे, साजिश शीन भी यही है श, साजिश। इन अल्फाज को देखें जोड़कर किस तरह से लिखते हैं, सीन अलिफ सा, चार अल्फाज है इसमें, जे सीन अलिफ सा जे ज जिश, जे जी यानी उसको जेर का आवाज होता है, जिस फिर से शीन। इतने अल्फाज मिलकर यानी इसी में से जो अल्फाज है हमने ढूंढकर वर्ड बनाया है साजिश। अब ऐसे कीजिए, एक खेल खेल है कैसे अल्फाज में से जोड़कर एक लफ्ज आपको बनाना है, ये आप प्रैक्टिस कीजिए तो इस तरह से जो है जल्दी से ये अल्फाज याद हो जाते हैं। इसी तरह शीन से हम बनाएंगे। देखो मैं बनाने जा रही हूँ शीन से, इसी अल्फाज में से ढूँढ कर, शाख। इसमें से देखो क्या क्या है, सभी इसी में के अल्फाज है, शीन का श अलिफ शा खै, इनको ही मिलाएंगे तो हो जाता है शीन अलिफ शा, शीन अलिफ शा, उसके बाद में है खै शाख, शीन अलिफ शा खै शाख। तो इस तरह से एक वर्ड इसी अल्फाज में से बन गया। ये आज के हमारे अल्फाज थे सीन शीन। दूसरा है जो लफ्ज़ तीसरा हमारा लिया गया है स्वाद। स्वाद को स से लेंगे, स्वाद से देखो हमने बनाया है इसी अल्फाज में से सहरा, स्वाद हाय रे अलिफ रा सहरा, सहरा। देखो स्वाद लिया गया है यहाँ पर, स्वाद का स हाय इसी में से है हाय, स रे अलिफ रा सहरा। तो एक खेल तरह इसी में से हम उसको ढूंढ के लिखेंगे तो हमें अल्फाज भी मिल जाते हैं और हमारी उर्दू भी अच्छी बन सकती है, पढ़ने में आसानी होती है। अब देखिए सीन शीन स्वाद ले लिया, जुआद को लेकर देखेंगे क्या वर्ड बनता है। जुआद से हमें जिद इसी में से लेना है, तो जिद जुआद से हम लेंगे जिद, जुआद को जद नहीं बोल के जेर लगा कर पढ़ते हैं जिद। तो जिद को देखो यहाँ पर
स्वाद का ज और दाल जिद, तो देखो ये अल्फाज, स्वाद का ज जमा दाल जिद, तो यहाँ स्वाद को पूरी तरह से स्वाद लिया गया है, उसके बाद में हमने उसको दाल लगाया तो ये जिद हो गया। अगला अल्फाज भी हम इसी में से लेंगे, जुआत के में आता है तोई का त, त से तोता बनता है, लेकिन हमें अभी वाव नहीं आया है इसमें, वाव का अल्फाज अभी हमसे दूर है, इसी में से ढूंढेंगे जुआत, तो इसे हम ढूंढेंगे तबीब, तबीब बोलते हैं इसको, तबी त बे 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 इसी में है, देखिए इन्हीं अल्फाजों में से हमने बे को ढूंढा है, तबीब, एक अखर आता है यहां से, हम एक अखर लेंगे ये हमें अभी मिला नहीं है, आगे है चलकर ये आएगा, तो देखियो यहां से तबीब, ये जो है एक अखर आता है तबीब, तबीब, तो देखो तो ये आ गया इसमें त, तो ही त आ गया, बे बे का ब, इसमें ये हमारा आगे है, ए के नीचे दो नक्ते होते हैं, ए दो नक्ते होते हैं, बे ए बे, तो यहाँ तबीब, देखिए यहाँ पर तो एक अखर आ गया, त बे ए बे, त बी ब, तबीब, और तैयारा भी हो सकता है, लेकिन हमें यहाँ अभी हे नहीं मिला है, इसके लिए हमने उसको नहीं लिखा है, तो अलग अलग कोशिश करेंगे कि हम इसी में से कुछ ढूंढें, तो हमारा तोई हो गया, अभी जोई हम लिखेंगे, जोई से एक वर्ड इसी में से ढूंढेंगे, जोई से जहर, अल्फाज तो बहुत होते हैं, लेकिन हम क्यों ढूंढेंगे इसी में से, क्योंकि हमें इसी अल्फाज में से जोड़ना सीखना है, जोई से, जोई का ज जहर, है कच बड़ा है हर जहर, तो इस तरह से हमने अल्फाज को जोड़ लिया है, तोई जोई, अभी हमें आइन गैन आगे लिखना है, तो आगे भी हम उसको पढ़ेंगे, लेकिन इतने अल्फाज हमारे लिए काफ़ी है, तो यहाँ पर देखें पढ़ेंगे, या ली बे पे, हमने पहले इसको दो तीन बार रिपीट किया है, तो यहाँ देखो हमें आज के अल्फाज थे हमारे, सीन शीन, स्वा ज़्वा तोई ज़ोई, सीन शीन, स्वा ज़्वा तोई ज़ोई, यानी इसी के अल्फाज में से हमें लेकर गेम खेला है, साजिश, शाख, सहरा, जिद, तबीब, जहर, तो इस तरह से हमारे अल्फाज ये बन गए, यहाँ पर हमारा आज का ये चार अल्फाज का लेसन ख़त्म होता है, बाद में हम सीन से आगे, तो इसे आगे, तोया और जोए के आगे के वर्ड कल इंशाल्लाह करेंगे, तो यहाँ तक देखिए आप इसको भी इसी तरह से और चंद अल्फाज लेकर गेम बनाकर खेलेंगे एक दूसरे के साथ, तो तुम्हारी उर्दू भी बहुत अच्छी हो जाती है और लिखने के भी अल्फाज प्रैक्टिस हो जाती है, क्योंकि ऐसा लिखने से खुशी भी होती है, बस यहाँ पर मेरा लेसन ख़त्म होता है, थैंक यू, थैंक्स।